ऐसा लग रहा है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो जेडीयू को विशेष दर्जे की मांग याद आई। अब जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर यादव नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू दिग्गज दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी से देश संभल नहीं रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जेडीयू दिग्गज के इस बयान से बीजेपी तिलमिला उठी है, तो मौका महागठबंधन को मिला है घेरने का। जेडीयू दिग्गज ने सीएम को बताया पीएम से बेहतर। बयान पर भड़की बीजेपी, विपक्ष ने जेडीयू को घेरा। बयानबाजी से एनडीए में बढ़ रही है दूरी। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर जेडीयू और बीजेपी के बीच। चाहे अनचाहे मुद्दों पर दूरी बढ़ती जा रही है। नया मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस सीएम नीतीश कुमार का आया है कि पीएम से देश संभल नहीं रहा है और जनता नीतीश को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। देश में अराजकता की स्थिति है, कोलाहल मचा हुआ है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से आज निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप देश का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़िए। देश की जनता आपके साथ जो है सो देश में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। अब ये देश के अंदर तो यशस्वी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं और लोगों में खूब लोकप्रियता उनकी भी है। बिहार के अंदर के मुख्यमंत्री की अपनी लोकप्रियता है, इसलिए कौन क्या मटेरियल है इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि महेश्वर यादव का बयान जेडीयू का आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर जेडीयू के नेताओं ने चुप्पी साध ली है और यही बात बीजेपी को रास नहीं आ रही है। लेकिन असल मजा तो महागठबंधन को आ रहा है। अंदर का नूरा कुश्ती से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मांग करेंगे। अरे आप साथ में हैं तो मांग किससे कर रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, कुर्सी खाली कर देंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश जी को अगर प्रधानमंत्री मटेरियल के मेरिट होते तो नीतीश कुमार जी फिर नरेंद्र मोदी के साथ ही उनके नेतृत्व में क्यों चले जाते? दरअसल हाल के दिनों में देखिएगा तो जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते असहज होते गए हैं। पहले बीजेपी एमएलसी टूना पांडे ने नीतीश पर निशाना साधा, उसके बाद जेडीयू ने विशेष दर्जे की मांग कर बीजेपी को घेर लिया और अब पीएम वर्सेस सीएम का मुकाबला जेडीयू नेता ने कर दिया। इन हालातों को देखकर तो यही लगता है कि तीर और कमल में मुकाबला चल रहा है। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात सिर्फ पीएम मटेरियल को लेकर ही दूरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार के विकास के दावे की हकीकत को सामने लाकर रख दिया, तो जेडीयू ने फिर से पुरानी मांग को याद किया, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से दोनों तरफ से बयानों का दौर जारी है। विशेष दर्जे की मांग पर एनडीए में रार, मांग पर बीजेपी पीछे हटी, जेडीयू अड़ी। विपक्ष ने जेडीयू की मांग को कहा ड्रामा। विकास के पैमाने पर बिहार फिसड्डी क्या आया, जेडीयू की बोलती बंद हो गई। दुहाई दी जाने लगी कि बिना विशेष राज्य के दर्जे के बगैर विकास संभव नहीं है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देगा कौन? केंद्र सरकार और केंद्र में कौन है? बीजेपी। और बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी ये कह रही है कि बिहार को आर्थिक मदद मिल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जब जैसे बिहार को मदद करने की नौबत आई है, उन्होंने स्पेशल पैकेज दे करके समय समय पर बिहार की मदद की है, तो स्पेशल राज्य का दर्जा मांगना ठीक है, मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग तो बिहार को विकसित बिहार बनाने में लगे हुए हैं। विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज अलग अलग है। अगर आप बुनियादी अधिसंरचना में कोई आप सुविधा दे रहे हैं जो उसका हक है, हम अगर पिछड़े हैं तो हम गुनाहगार हैं कि झारखंड और बिहार एक था और कोयला खदान था, घर घर बिजली नहीं पहुंचा। बीजेपी की दलील पर जेडीयू का कहना है कि आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा अलग अलग बात है, तो ये बात क्या जेडीयू को आज समझ में आई? अगर ऐसा है तो पहले से इसका विरोध या मांग क्यों नहीं किया जा रहा है? खामोशी क्यों बढ़ती गई, यही सवाल महागठबंधन पूछ रहा है। बिहार एक रोजगारी का केंद्र है,
शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सब ध्वस्त है, तो चारों तरफ जब इनको लोगों ने लानत भेजना शुरू किया छद विकास पुरुष को, तो विशेष राज के दर्जे की राग प्राण अलापने लगे। अब नीति आयोग जो उन्हीं का एक अंग है, जिसने बिहार के विकास के सारे पोल खोल दिए, अब ये लोग बौखलाहट में है, फिर से विशेष राज के दर्जा की मांग उठा रहे हैं। अरे आप मांग क्यों कर रहे हैं, कर दीजिए, आप तो सरकार में हैं, आपकी सरकार है। दरअसल जेडीयू चाहती है कि विकास की रैंकिंग में बिहार जो फिसड्डी साबित हुआ है उसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया जाए, जिसके लिए हथियार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बनाया गया है। लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी, वो आर्थिक पैकेज के सहारे जेडीयू को जवाब दे रही है। लेकिन इससे होगा क्या, होना है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।